हकीम साहब, हमने पैरों के लेके बहुत सारी समस्याएं तो सुनी ही हैं और आपने उनके लिए बहुत सारे नुस्खे भी बताए हैं। एक चीज़ और हमने सुनी है कि हड्डियों का गल जाना, क्या हमारे शरीर की हड्डियां गल भी जाती हैं और क्यों, किस कारण से, और क्या इसके लिए भी नुस्खे हो सकते हैं? देखिए, हड्डियाँ ऐसे हैं जैसे किसी बिल्डिंग में उसका स्ट्रक्चर, सुतून, स्तंभ जिसे कहते हैं हिंदी में, तो किसी भी बिल्डिंग का जो स्तंभ है, सुतून है, वो मजबूत रहना ही चाहिए, नहीं तो वो बिल्डिंग कभी भी धड़ाम से गिर सकती है। अब ये जो स्तंभ है, ये मजबूत किस चीज से रहते हैं? तो इसकी जो गिजा है या दवा है, समझ लीजिए, यह जरूरत है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम अगर पर्याप्त मात्रा में हमारे जिस्म में पैदा हो रहा है, तो हमारी हड्डियां हमेशा मजबूत रह सकती हैं। अब इसके अलावा ये होता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हर शख्स को खिलाई जाती हैं या खानी पड़ती हैं, जो फायदा तो बहुत पहुंचाती है, लेकिन वो हमारी हड्डियों को गलाती है। मिसाल के तौर पर स्टेरॉइड, स्टेरॉइड तकरीबन हर डॉक्टर अपने मरीज को देता है, चाहे मरीज को पता हो या ना हो। वो लोग खाते हैं स्टेरॉइड जो दमे के मरीज हो, बार बार सांस फूलता हो, तो स्टेरॉइड उसके लिए बेहद फायदेमंद दवा है। और किडनी के मरीजों को भी, जिनके किसी सूरत कंट्रोल नहीं आता, कुछ चीजें पेशाब से निकलने लगती हैं, उनको भी दिया जाता है। हर सूरत में आपको डॉक्टर स्टेरॉइड जरूर देता है, और स्टेरॉइड को देने का एक तरीका है। अगर डॉक्टर देगा तो शायद आपको नुकसान कम हो। और जो भी ऐसी दवाएं खाते हैं जिनमें स्टेरॉइड हो, उस पर ऐसी दवाएं भी साथ में देना चाहिए कि हमारी किडनी को कोई नुकसान ना पहुंचे और हड्डियों को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि स्टेरॉइड हमारी कैल्शियम का भी दुश्मन है और किडनी का भी। कैल्शियम जरूर देना चाहिए जब स्टेरॉइड इस्तेमाल कराया जाए किसी मरीज को, और एक दवा यूनानी में है जो किडनी को नुकसान नहीं पहुंचने देती, हड्डियों को नुकसान नहीं पहुंचने देती। और मैं कभी किसी को किसी दवा के बारे में नहीं कहता कि इसको लिया करें, लेकिन इस दवा को मैं खास तौर पर कहता हूँ, जो लोग भी स्टेरॉइड खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, हमेशा दवाइयाँ खाते हैं, चाहे किसी भी चीज़ की खाते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की खाते हैं, चाहे ये डायबिटीज की खाते हैं, ये सब जिंदगी भर खाने वाली जो दवाएं हैं, जिसके बगैर जिंदगी अनिवार्य हो गई है मरीजों की, तो वो एक यूनानी नुस्खा ले लिया करें। वो नुस्खा क्या है? बहुत आसान है। अलसी जो है, सभी जानते हैं, अलसी को खरीद ले, 200-400 ग्राम, उसको हल्का सा भूने और इसको पाउडर बना के रख लें, और ये आधा चम्मच अलसी और एक चुटकी में जितना नमक, जैतून एक आता है, बिल्कुल नमक जैसा ही होता है देखने में, लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता,
ये पानी में मिला दें और इस पानी से ही अलसी खा लिया करें। आप कुछ भी खा रहे हैं, चाहे दवा खा रहे हैं, चाहे भोजन खा रहे हैं, या मिलावटी दूध पी रहे हैं, या स्टेराइड खा रहे हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचता। अगर ये एक खुराक कम से कम ले लें, और ज़रूरतमंद लोग दो खुराक भी ले सकते हैं, ये किडनी को नुकसान नहीं पहुंचने देती, लीवर को नुकसान नहीं पहुंचने देती, पेट को, आंतों को, मैदे को, और ये 8-10 रोगों में काम आती है। एक तो किडनी को रोज़ाना जैसे बर्तन साफ करते हैं ऐसे रखती है, लीवर को भी साफ रखती है, पेट को भी साफ रखती है, बवासीर को भी साफ रखती है, वर्म को भी साफ रखती है, स्किन प्रॉब्लम नहीं होने देती, और बहुत सारे फायदे हैं, यानी तक के सोराइसिस तक को ये नुस्खा फायदा करता है। जो लोग मजबूर हैं दवाएं खाने पर, जरूर लिया करें। क्षेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। कि मेरी प्यारी सी दोस्त है, उनकी जो बेटी है 48 साल है, उनको पसीना बहुत आता है, सर्दी में भी वो पंखा चलाकर सोती हैं। ठीक है, ये इनको मेनोपॉज के बाद जो है ना स्टार्ट हुआ है ऐसा। सर्वाइकल है, थायराइड है, पूरी बॉडी में पेन है। वो तो सर मैंने आपकी सारी दवाइयां उनको बता दी, सर्वाइकल की तीनों एक्सरसाइज भी, थायराइड वाला उसका भी, और पूरी बॉडी में पेन है उनको, थाइस वगैरह में भी, उसके लिए सियाबोन। पहले वो बहुत हेल्दी थी, अब उन्होंने वेट लॉस भी किया है, पैदल भी चलती हैं। अब ये बताइए कि उन्हें पसीना क्यों आता है, और उसके लिए जैतून नमक मीठे सोडे के साथ दें या कुछ और, कैसे दें? देखिए, आप तो सारे नुस्खे जानती हैं, और उस बच्ची के लिए आपने जो नुस्खा बताया है, एक्सरसाइज भी बताई होगी, और वो वेट भी उनका कम होने लगा, समझ लीजिए कि उनको फ़ायदा शुरू हो गया। और ये नमक जैतून किसी सूरत में अगर वो ले रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर नमक जैतून खाने का सोडा एक दो बार लिया करें, इससे उनके दूसरे रोगों के साथ पसीने आने का रोग भी जाता रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अम्बाला से नवनीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। नमस्कार सर। जय हिंद नवनीत जी, स्वागत है आपका। मैम मेरे 3 सवाल हैं। पूछिए। पहला तो ये, जो मेरा बेटा है ना, वो अब नेक्स्ट मंथ 9 साल का हो जाएगा मैम। ठीक है। तो उसके जो जुड़े हैं ना, पहले तो ठीक थे, अब नीले पड़ने लगे हैं। जी जी। ठीक है। कितने साल का होता है? 9 साल हो जाए। ठीक है। दूसरा सवाल? दूसरा सवाल, मेरी सिस्टर जो है ना, हमने जो हकीम दवाई बताई थी बताते के लिए, धनिया 300 ग्राम और जीरा 300 ग्राम, आंवला 200 ग्राम और उसमें कलौंजी का नमक मिलाना था 150 ग्राम। तो उसमें ये पूछना था कि इसमें मेथी मिला सकते हैं? मेथी मिला सकते हैं जी। ठीक है। और तीसरा ये है कि जो मेरी सास है ना, तो उनके ना गर्दन के नीचे जो हड्डियां होती है ना मैम, जैसे साइड, तो यहाँ पे ना हड्डियों के पास ही एक गिल्टी हुई है, उसमें दर्द भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, अपने आप गिल्टी ना बढ़ती जा रही है मैम। ठीक है। ऐसे हो रहा है ना, हड्डी बढ़ती हो। बच्चे को आप किसी डॉक्टर को फौरी तौर पर दिखा लें, और वो कुछ जांचें आपके लिए लिखेंगे, वो टेस्ट करा लें। इतनी कम उम्र में मसूड़ों का नीला पड़ना अच्छा नहीं है। ये भी हो सकता है कि उनको मल्टी विटामिन्स की कमी हो गई हो, और आयरन की कमी हो गई हो, और फौरी तौर पर आप जांच करा लें। और अभी उनके लिए कोई नुस्खा नहीं है सिवाय इसके कि आप एक चुटकी नमक जैतून पानी मिला के दिन में एक बार पिलाएं, और जांच के लिए कोशिश करें, और जब उनकी रिपोर्ट आ जाए तो
हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। क्या सवाल? मोटापा जो बढ़ रहा है उसके लिए जो नुस्खा है उसमें मेथी मिला सकते हैं? हाँ यकीनन उसमें मेथी कम से कम 100 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल, गर्दन के पास गिल्टी बढ़ रही है। हाँ, एक चुटकी खाने का सोडा और 2 चम्मच जैतून का सिरका पानी में मिलाएं और रात को सोते वक्त बच्चे को पिला दिया करें। मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा मुमकिन है।